हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियोज में। और आज हम बात करने वाले हैं ये जो हमारा प्री फिल्टर हाउसिंग होता है, जिसको बाउल बोला जाता है, बाउल बोलिए या प्री फिल्टर हाउसिंग बोलिए या प्री फिल्टर बोलिए, इसको जो भी बोलिए, इसको जो खोलने के तीन तरीके हैं, सबसे आसान तरीकों में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये खोलने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कई लोगों को, जो अक्सर नए लोग होते हैं उनसे ये खुलता नहीं है। तो ऐसे तीन तरीके हैं जिससे आप बहुत आसानी से इसको खोल सकते हैं, बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बाउल है और इसको मैं सबसे पहले ऐसे ही खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कपड़ा लगा के, बट काफी मशक्कत करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दोनों तरफ की एल्बो खोल लेना है। तो एल्बो मैंने खोल लिया है, अब आपको इसमें पेचकस लगाना है एक, और पेचकस में आपको थोड़ा कपड़ा भी लगा लेना है ताकि जो इसकी चूड़ी है एल्बो की वो खराब ना हो। और उसके बाद जो दूसरी तरफ आपने एल्बो खोला है उधर भी आपको अगर पेचकस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बट एक पेचकस से भी खुल जाता है। मैं ज्यादा बाउल टाइट है इसलिए दोनों तरफ पेचकस लगा रहा हूँ। और आपको नीचे से स्पैनर लगा लेना है ताकि उस पर पैर रख सके, और पैर रख के आपको ऐसे जैसे मैं खोल रहा हूँ इस टाइप से खोलना है। आसानी से खुल जाता है कितना भी टाइट बाउल हो, अगर दोनों पेचकस लगाया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देख सकते हैं आसानी से खुल गया है। अब मैं दूसरा बाउल कैसे खोलना है ये आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो आपको एक बाउल ले लेना है या फिर आपको कोई भगोना ले लेना है या बर्तन ले लेना, कुछ भी ले लेना, उसमें आपको पानी एकदम खौला लेना है, बहुत ज्यादा गर्म कर लेना है। तो मैंने काफी ज्यादा खौला लिया है, उसमें पानी गर्म कर लिया बहुत ज्यादा। अब उस जो बाउल है आपका जो प्री फिल्टर है वो उसका पानी जो है वो निकाल देना है, या फिर आपको पाइप की सहायता से दोनों जो छिद्र होते हैं आपस में बंद कर देना है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए मैंने पाइप लगा दिया है दोनों छेदों में। अब इसको जो बाउल है आपका वो आपको जो गर्म पानी वाला पानी, गर्म पानी है उसमें आपको बाउल डाल देना है ताकि जो इसकी टेम्परेचर है, टेम्परेचर गर्म की वजह से जो प्लास्टिक है वो थोड़ा नरम हो जाती है और ढीली हो जाती है, इसकी वजह से आसानी से खुल जाती है। अब मैंने काफी देर तक इसको गर्म कर लिया है जब तक पानी ठंडा ना, हल्का बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ठंडा हो जाए, और बाउल की वजह से बाउल का टेम्परेचर वो पानी में आ जाता है, इसकी वजह से पानी थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है। आपको लगता है कि बाउल गर्म हो गया है तो उसको बाहर निकाल लेना है और उसको उसके बाद खोल के देखना है तो बहुत आसानी से खुल जाता है। ये भी बहुत अच्छा तरीका है खोलने का। तो मैं अब इसको खोल के देखता हूँ, देखना अभी आसानी से खुल जाता है। और जब भी खोले तो हाथ में कपड़ा लगा लें या पेचकस की सहायता से खोले थोड़ा, क्योंकि हाथ में ना लग जाए, क्योंकि इसके प्लास्टिक को देख सकते हैं। अब मैंने बहुत आसानी से खुल गया, ऐसे नहीं खुल रहा था इतनी ज्यादा मशक्कत करने के बाद भी, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से। ये है कि आपको बाउल लेना है और जो सिलेंडर होता है उसमें इस टाइप से फंसाना, जैसे मैंने फंसाया है और घुमाना खुल जाता है बहुत आसानी से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तीसरा तरीका यह है, आपको बाउल लेना है और इस टाइप से फंसा के और ताकत लगाना है, देख लीजिए आसानी से खुल जाता है।